ठीक है फाहद, मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। अभी ना जाओ, कुछ देर और रुक जाओ। नहीं फाहद, काफ़ी देर हो गई है, अम्मी परेशान हो रही होंगी। वैसे भी उन्होंने यहाँ आने के लिए बहुत मुश्किल से परमिशन दिया मुझे। मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी पापा ने तुम्हारे साथ किया उसके बाद से आंटी को शायद मुझसे नफरत हो गई होगी, लेकिन जैसे मैं ठीक होता हूँ तो मैं सबसे पहले उनके पास जाऊंगा और उनकी सारी गलतफहमी दूर करूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे, इंशाल्लाह। इनसे कहो यहाँ से जाए, मैं इनकी शक्ल भी देखना चाहती हूँ। कह रही है चाची? अरे तुम आज ऑफिस नहीं गई क्या? नहीं, मूड नहीं था आज। क्यों, खैरियत तो है? कैसी तबीयत है तुम्हारी? तबीयत ठीक है, बस ऐसी। चलो अच्छा है, तुम्हें भी रेस्ट मिल जाएगा, वरना सुल्तान बता रहे थे कि तुम ऑफिस में बहुत ज्यादा मेहनत करती हो। चाची मैं आपसे एक बात करना चाह रही थी। हाँ बोलो। आप चाचू को समझाए ना कि मैं शादी नहीं करना चाहती। वो जो भी लोग आ रहे थे ना, उन्हें भी इनकार करते। अच्छा, तो सुल्तान ने तुमसे भी इस सिलसिले में बात कर ली? फिर तुमने उनको खुद क्यों नहीं मना किया? किया था चाची, वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। तो फिर तुम क्या चाहती हो? तुम शादी ही नहीं करना चाहती या किसी खास से करना चाहती हो? चाची मैं तो सोच रही थी कि मैं हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड मूव हो जाती। मेरा तो पहले भी इरादा था, फिर चाचू ने ही रोक लिया था। ज़ारा तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। चाची आप सब जानती तो हैं, अब जो चीज मुमकिन ही नहीं है मैं उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद क्यों करूं? क्यों ना मैं अपना वक्त कहीं अच्छी जगह लगाऊं, कहीं चली जाऊं। सारा बेटा, इंसान अगर चाहे ना तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, बस उसमें हिम्मत होनी चाहिए। तुम हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बेटा, मैंने जो कुछ भी आज तक तुम्हारे साथ किया है उसके बाद मैं इसी सलूक का हकदार हूं, लेकिन यकीन करो तुम्हारे इस एक्सीडेंट ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे अपनी तमाम गलतियों का एहसास हो गया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार सब कुछ भुला कर तुम अपने बाप को माफ कर दो? या ये सब कुछ मुझे जो भूलने का कह रहा है, ये तुम्हें पता है कौन शख्स है? कि वो शख्स है जिसकी वजह से मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। ये वो शख्स है जिसकी वजह से उनका बाप होते हुए भी उसे बाप का प्यार ना मिल सका। और ये वही शख्स है जिसने असगर को पैसे दिए कि तुम्हारी जान ले लो। ये बचपन से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशियां, मेरी जिंदगी के दुश्मन बने रहे। यकीन करो फाहद, मैंने असगर को पैसे नहीं दिए। झूठ बोल रहे हैं आप। रियान से कोई यहां से चले जाए। फाहद, तुम्हें अपने पापा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अपने किए पे शर्मिंदा है। तुम्हें बता रहा, इस सब में भी इनकी कोई चाल है और कुछ नहीं। नहीं बेटा, इसमें कोई चाल नहीं है मेरी। मुझे दिल से एहसास हो गया, इस बात का यकीन कर लो। एक बार तुम अपने बाप को दिल से माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी तमाम शिकायतों का अजाला करने की कोशिश करूंगा। फाहद, मैं चलती हूँ। ठहरो बेटा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। बेटा, मैंने जो कुछ भी आज तक तुम्हारे साथ किया है, उसके बाद मैं इसी सलूक का हकदार हूं। लेकिन यकीन करो, तुम्हारे इस एक्सीडेंट ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे अपनी तमाम गलतियों का एहसास हो गया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार सब कुछ भुला कर तुम अपने बाप को माफ कर दो? हाय मेरी जवान बच्ची चली गई, आयशा आयशा चली गई। अरे कुलसुम मेरी बच्ची चली गई। कुलसुम देखो ये तुम अपने डर के बारे नहीं उठ रही, तुम इसे उठाओ ये उठ जाएगी। तुम इसे बोलो कि पुलिस के पास तुम इसे नहीं पकड़ाओगी, फिर ये उठ जाएगी। बल्कि पता तुम क्या करो, तुम यूँ करो कुलसुम कि तुम इसे, हाँ तुम फाहद को बुला के लाओ। फाहद के कहने पे ये जरूर उठ जाएगी। खुदा की कसम ये फाहद से बहुत प्यार करती है, उसे बोलेगा उठ जा उठ जाएगी, फिर ये जरूर उठ जाएगी। फाहद को बुला लाओ, सबर करो, अल्लाह को यही मंजूर था। बस मेरी बच्ची नहीं मर सकती, मेरी बच्ची नहीं मर सकती। रजिया बहन इजाजत दे, मैयत उठाने का वक्त हो गया। हाँ रजिया, आयशा की अलविदा का टाइम हो गया, खुदा हाफिज का है दोस्त। अरे नहीं मेरे बच्चे जिंदा है, रजिया रजिया आयशा की अलविदा का टाइम आ गया, खुदा हाफिज का है दोस्त। मेरी बच्ची ना, मेरी बच्ची नहीं मर सकती। नहीं देर नहीं हो रही, मैं तैयार कर लूँ अपनी बच्ची को, मैं अपनी बच्ची को तैयार करूँ। मेरी बच्ची नहीं जा सकती, मैं जाने दूंगी, मैं अपनी बच्ची को नहीं जाने दूंगी। मलिया बेटा, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। असगर ने मुझे तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के बारे में जो कुछ भी बताया था, उसके बाद मैं तो क्या कोई भी शरीफ इंसान तुम लोगों से नाता ना जोड़ना चाहता। इसीलिए मैंने असगर को किसी भी हालत में तुम्हें फाहद की ज़िंदगी से दूर करने की इजाज़त दी, लेकिन उसके जो ख़तरनाक इरादे थे, यकीन करो मुझे उसका कोई इल्म नहीं था। और वो 15 लाख रुपए, हाँ मैंने उसे देने का कहा था, लेकिन असगर ने मुझे बताया था कि तुम लोगों के कहने पे फाहद ने आयशा की माँ से 10 लाख रुपए लिए जो उसने वापस नहीं किए। असगर ने अपने करतूत तो हमारे नाम करने की कोशिश की है, लेकिन हम लोग किसी से मांगते नहीं है, बल्कि अपने बलबूते पे जिंदा रहने वाले लोग। मैं जानता हूँ बेटा, मैंने भी दुनिया देखी है, मैं जानता हूँ कि असगर ने तुम लोगों के बारे में मुझसे गलत बयानी की, लेकिन आयशा ने तो पुलिस वालों के सामने आपका नाम लिया था ना। हाँ तुम्हारे साथ साथ मेरी भी पोजीशन खराब की असगर ने, लेकिन मैं ये सब कुछ ठीक कर दूँ, तुम परेशान मत हो, सब ठीक कर दो। आप क्यों किसी से नजरें चुराएंगी, और इन सब में आपका क्या कसूर है? आपने तो उसे छोड़ दिया, मगर मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, उसका वो हाल करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे लड़ने या कुछ करने से हमारी गई हुई इज्जत तो वापस नहीं आ जाएगी ना। मैं तो ये सोच के परेशान हो रही, न जाने शगुफ्ता ने कहां कहां जाकर हमें बदनाम किया होगा। अब हम यहाँ बेगुनाह होकर भी गुनहगारों की तरह कैसे रह सकते हैं? नहीं खाला, आप ऐसा नहीं सोचें, मैं आपके साथ हूँ, कोई आपको कुछ कहकर तो दिखाए, मुंह ना तोड़ दूंगी उसका। आयशा, तुम डॉक्टर के पास गई थी, क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, वो कह रहा है कि बस वीकनेस है। फायजा, तुमको अपने बच्चे से प्यार नहीं है क्या? अपना ख्याल नहीं रखती हो तुम? मम्मा, सबको बच्चे की फिक्र है, किसी को मेरी फिक्र है या नहीं। मैं कितनी टेंशन में हूँ। तुम्हें किस बात की टेंशन है फायजा? पता नहीं मम्मा नुमान को क्या हो गया, वो नाराज है मुझसे। इतने दिन हो गए ठीक से बात भी नहीं करता। तो तुम उसकी वजह पूछ लो उससे। पूछिए मामा, 100 दफा उससे वजह पूछी, ना तो वजह बताता है ना ठीक से बात करता है। तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? तो ये तुम दोनों के आपस का मामला है। मामा, कहीं उसे मेरा अम्मी के घर जाने का तो नहीं पता लग गया? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने नुमान को बता दिया है। नहीं मामा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं बस पूछ रही हूँ कि कहीं ये वजह तो नहीं है कि वो मुझसे नाराज है। अच्छा, तो फिर कैसे पता चलेगा उसे? क्योंकि ये बात तो सिर्फ मैं और तुम जानते हैं। नहीं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मम्मा, पता नहीं किसने बताया नुमान को। अरे फायजा, तुम बिला वजह की बातें सोच के खुद को परेशान मत करो। तुम तो जानती हो ना नुमान को, कहाँ इससे पहले वो दफ्तर गया था। भाई दफ्तर में इतना काम बढ़ गया, इतना काम बढ़ गया कि वो चिड़चिड़ा हो गया इसी वजह से। हाँ, ये भी हो सकता है मामा, आप ठीक कह रही हैं, शायद ये भी हो। अरे शायद नहीं, यकीनन यही वजह है। बस तुम कुछ और मत सोचो, अपने बच्चे का ख्याल करो। मैं तुम्हारे लिए जूस भिजवाती हूँ, ठीक है? इसका मतलब है मामा बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने शायद उसकी आज़ादी छीन ली है, उस पर जिम्मेदारियाँ डाल दी, इसी वजह से वो मुझसे अपसेट है। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ अरसे में खुद ही ठीक हो जाएगा। लगता है असगर का नंबर है, क्या करूं? मुझे अब नुमान को बता देना चाहिए ताकि नुमान इस मसले को खुद ही हैंडल करे। मेरी अजाब से जान तो छूटे कम से कम। पानी पी लीजिए। रजिया कहाँ है? वो अपने कमरे में है। रजिया, थोड़ा सा खाना खा लो, नहीं खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। हो जाने दो बीमार, कुछ नहीं खाना मुझे। अरे जिंदा भी रहूं तो किसके लिए, क्या करूंगी जी के, जिसके लिए जीना तो जब वो ही नहीं रही तो फायदा ऐसी जिंदगी का। नहीं रजिया, ऐसा नहीं कहते। जिंदगी तो खुदा की नेमत है और उसकी नेमत से इनकार करना गुनाह होता है। ठीक कहती हो तुम कुलसुम, मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ। अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। छोड़ो ना, जाने दो, अब भूल जाओ सारी बातों को। अरे कहने दो, कहने दो कुलसुम, मुझे बड़ा जुल्म किया मैंने। अरे मैंने मेहनाज़ की शादी उस असगर के साथ करवा दी। मैंने तुम्हें औलाद का दुख दिया। देख लो अल्लाह का कानून, मेरे साथ भी वही कुछ हुआ, मुझे भी मेरी बच्ची का दुख मिल गया। छोड़ो रजिया, वैसे भी मैंने और मेरी बेटी ने से अपनी किस्मत का मान कर तुम्हें माफ कर दिया है, तुम भी भूल जाओ। चलो, तुमने तो मुझे माफ कर दिया, लेकिन मैं अपनी बच्ची के कातिल को असगर को कभी माफ नहीं करूंगी, और तुम भी कभी ना माफ करना उस कमीने को। अरे सच्चे सक्के तड़प तड़प के मरेगा वो, बिल्कुल यही कुछ उसके साथ भी होगा जो उसने दो माओं के साथ किया है। उसे कभी सुकून नहीं मिलेगा, इसी दुनिया में भुगत के जाएगा, अल्लाह पूछेगा उसे। हाय, अलग से नहीं उतरता कुलसुम, मैं कैसे तुम्हें बताऊं, मेरी आयशा के बगैर देखो कितना सुंदर लग रहा है उसके बगैर। मुच्छर, असगर के साथ भी वही बात हो गई, हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। बहुत बड़ी रकम का हाथ रहा ना इसको सेठ से, वो भी हाथ से निकल गई इसके। सही बात है भाई, अब समझ में नहीं आ रहा सेठ से रकम कैसे मांगू, तुम लोग ही कोई मशवरा दे दो। अबे वो सेठ यही चाहता है ना कि किसी भी तरीके से वो लड़की उसके बेटे के रास्ते से हट जाए। हो सकता है भाई, लेकिन एक मसला है। ओ पनौती, अब क्या मसला है? वो आयशा नहीं, आयशा वो थोड़ा सा तेजाब गिर गया था गलती से उस पे, तो उसकी माँ मुंह खोल के बैठी हुई मुझे कच्चा चबाने के लिए। और जब तुम में जिगरा नहीं होता है तो ऐसे पंगे लेते क्यों हो तुम लोग? अच्छा, तो एक काम कर, तू हमारे साथ चलियो, बस गाड़ी में से उस लड़के का चेहरा करा दे, बाकी हम जाने और हमारा काम। ठीक है भाई। नेक्स्ट काम है, देरी किस बात की, कल ही निपटा दें इस काम को। हाँ ठीक है, बस तू अपने सेठ से बोल देना कि तेरे पैसे तैयार रखे। हाँ मैं बोलता हूँ उसको पैसों का। चलो खा। मेरी रजिया खाला की तो हालत बहुत बुरी होगी ना। हाँ बेटा, वो इतना तड़प तड़प के रो रही थी कि उसे तो देखा ही नहीं गया। सही कह रही हो तुम, उसको देखकर रजिया को तो मेरा भी दिल कट रहा था। हाँ आपा, जवान औलाद की मौत का दुख तो पहाड़ जैसा होता है, और फिर जनाजा जवान बेटी का हो तो माँ बाप की कमर तो वैसे ही टूट जाती है। अब तो रजिया के लिए ये जिंदगी भर का दुख हो गया। वो बच्ची रजिया की इकलौती बेटी थी, लेकिन जिस तरह से उसकी मौत हुई है, सोच कर ना रोंगटे खड़े हो जाते। कैसे मौत हुई आयशा की? बेटा उसने हॉस्पिटल की बिल्डिंग से छलांग लगा के खुदकुशी कर ली। क्या आयशा ने खुदकुशी कर ली? अम्मी बहुत दर्दनाक मौत हुई थी उस बच्ची की, बहुत दर्दनाक। मलिया, आयशा ने खुदकुशी की थी कुलसुम। बस अल्लाह ताला रजिया को सब्र दे। आमीन। क्यों रो रही हो? देखो आयशा के जाने का हमें भी अफसोस है कि क्या कर सकते हैं हम, सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं ना उसके लिए। तुम भी दुआ करो प्लीज, बस करो ना। और हाँ, आज हम खाला से मिलने जाएंगे, ठीक है? मैं नहीं जा सकती, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। क्यों, तुमने ऐसा क्या कर दिया? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आयशा मेरी वजह से मरी है। आप ही क्यों कर रही हो ऐसी फजूल बातें? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक ही तो कह रही हूँ आप ही। मैं अगर आयशा और फाहद के बीच में ना आती तो ये सब कुछ ना होता ना, वो ना मरती। क्यों अपने आप को इल्जाम ठहरा रही हो? तुम नहीं आई हो उनके बीच में, वो तो आयशा थी जो शराब के पीछे भाग रही थी, और यही उसकी बेवकूफियां थी जिसका फायदा असगर ने उठाया और उसको ये सब करने में उकसाया। जो कुछ भी हुआ है आप ही, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आयशा इस दुनिया से चली गई है। बस ना मेरा बच्चा, कब से रो रही हो? हम क्या कर सकते बताओ? सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं ना उसके लिए। हाँ बच्चा, बस किंजा, मैं रात को लेट हो जाऊंगा तो तुम मामा की तरफ चली जाओ। क्यों, मेरा घर नहीं है? मैं नहीं जाऊंगी किसी के घर। मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हारा ही घर है, और मूड इतना क्यों खराब है तुम्हारा? सर मैंने कह दिया ना, मैं मामा की तरफ नहीं जाऊंगी। वो क्यों? तुम्हें पता है उस दिन फायजा ने मुझे इतनी बातें सुनाई। उसका कहना था कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। उसने तुम्हें किसी लड़की के साथ घूमते फिरते देखा गाड़ी में। और तुमने क्या कहा? क्या कहना था, दिमाग दुरुस्त कर दिया मैंने उसका। उसे कहना था ना कि मेरा शौहर मुझ पर जान छिड़कता। उसने तो उस वक्त किसी और लड़की की तरफ नहीं देखा जब लड़कियों की लंबी लाइनें लगी हुई थी उसके लिए। मेरे लिए मेरी बीवी ही मेरी दुनिया है। मैं जानती हूँ जैन, उसका अपना घर आबाद नहीं है ना, इसलिए मेरा भी खराब करना चाहती। छोड़ो ना उसकी बातें, तुम रेडी हो जाओ, मैं रास्ते में जाते हुए तुम्हें मामा की तरफ ड्रॉप कर देता हूँ। जैन मैं मामा की तरफ नहीं जाऊंगी। क्या हम बच्चों जैसी बातें कर रही हो? मामा का क्या कसूर है इस सब? देखो तुम उनकी इकलौती बेटी हो, वो अपनी सारी बातें तुमसे शेयर करती हैं। यू शुड गो। तो ठीक, लेकिन ये तो बताओ क्यों लेट आओगे तुम? वो जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ना यार, उसके बहुत सारे काम हैं, सो इसलिए मुझे कुछ नहीं पता कब आऊंगा वापस। चलो ठीक है, लेकिन मामा की तरफ रुकूंगी नहीं। तुम्हें वापसी पे पिकअप कर लूंगा। अच्छा किंजा, सच सच बताओ, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? हरगिज़ नहीं, मुझे खुद से ज्यादा तुम्हारी मोहब्बत पे एतबार है ज़ैन। थैंक यू। अभी तक आयशा के बारे में सोच रही हो? हाँ, बार बार उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो मर गई है। ज़ाहिर है मलिया, दिमाग ऐसी बातों को फौरी थोड़ी कबूल कर लेता है। आप ही, मुझे इतना दुख हो रहा है ये सोच के कि उसने ये सब कुछ कैसे कर लिया। बेवकूफ लड़की थी ना, जब ही तो आराम से असगर के हाथों का खिलौना बन गई। फाहद के एक्सीडेंट की वजह से हम लोग उसे देखने भी नहीं जा सके, वरना शायद उसके इरादों का पता चल जाता और हम उसे रोक लेते। नहीं मलिया, हमें कभी अंदाजा नहीं हो सकता था। जिया खाला तो बता रही थी कि उनको आखिरी लम्हे तक नहीं पता चल सका इस बारे में। अल्लाह उस खबीज असगर का बेड़ा गरक करे। ऐसी ऐसी चालें चलिए कि हमको एक दूसरे की नजरों में ही बुरा बना दिए। देखना आप ही, उसका अंजाम भी बहुत बुरा होगा। इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा। तुम बस परेशान ना हो। मलिया, तुम 2 दिन से कहाँ गायब हो? फोन भी नहीं उठा रही, क्या हुआ है? सब खैर तो है ना? क्या हुआ मलिया, तुम रो क्यों रही? फाहद आयशा का इंतकाल हो गया। क्या? तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ फाहद, आयशा ने खुदकुशी कर ली है, क्योंकि उसे तुम नहीं मिले ना, वो मर गई है। फाहद, मुझे लगता था कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन आयशा मुझे आईना दिखा गई है कि मेरी मोहब्बत उसकी मोहब्बत के आगे कुछ नहीं है। भैया, मैं जानता हूँ कि वो जज्बाती लड़की थी, लेकिन ये भी मैं सोच सकता था कि वो करेगी अपने साथ। यकीन मानो, मुझे वाकई बहुत अफसोस हो रहा है। फाहद, इन सब चीजों की जिम्मेदार मैं हूँ। काश असगर ने मुझे जला दिया होता, मैं मर जाती और वो जिंदा रहती। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। शट अप मलिया, क्या बकवास कर रही हो तुम? जहाँ तक रही ना बात ये असगर की, बस मुझे ठीक होने दो, फिर मैं देखता हूँ उसका क्या हाल करता हूँ। मलिया, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, तुम बस परेशान मत हो। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है मलिया को? पापा, वो लड़की नहीं थी आयशा, उसने खुदकुशी कर ली। ये आयशा वही लड़की है ना जो असगर के साथ मेरे पास आई थी? जी। लेकिन क्यों? पापा, वो भी उसकी कमीनगी का शिकार हो गई। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ पापा। आप उसे कहीं से भी तलाश करें, वो कहीं छुप गया है, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं कुछ करता हूँ, तुम परेशान मत हो, करता हूँ मैं।